जयपुर से लेके कोटा की जिसके। तो भाइयों आज मैं स्टार्ट करूंगा मेरी राइड जयपुर से लेके कोटा की, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे बुलेट 350 का क्या रिव्यू है, इसका क्या माइलेज है, क्या हम इसको लंबे टूर पे लेके जा सकते हैं या नहीं, और कैसी मेरी जर्नी रहती है। आपको पूरा मैं इसके अंदर डिटेल्स के अंदर दिखाऊँगा और बताऊँगा कि क्या मेरे बाइक का माइलेज है और क्या इसका रिव्यू है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। बाइक रोक के फिर फोटो क्लिक करके या फिर वीडियो बना के दिखा दूंगा कि बाइक कैसे कितना स्पीड होता है।
नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इधर एक ब्रिज बन रखा है, जो ऊपर से गिरता है और वो ऊपर से आने की दिक्कत है, उसके ऊपर से भी कार जा रही है, जो क्या नहीं किया है काफ़ी तेज़ हो चुकी है। यहाँ पे थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ कर रेस्ट कर रहा हूँ और टी शर्ट पहन रखी थी, जो मैं चेंज करूँगा, अपने शर्ट पहनूँगा, क्योंकि मैं पिछली बार अभी गया था जब ब्लैक हो गए थे पूरे यहाँ से, देखो जो आपको लाइनिंग लाइनिंग से दिख रही है, धूप से पूरा ब्लैक हो जाता है, इसलिए मैं वापस चेंज करूँगा अभी। और मैं मेंदवास गाँव है जयपुर से पहले, वहाँ रुका पाऊँ अभी, टोंक से थोड़ा सा पहले, और जयपुर यहाँ से 115 किलोमीटर हो रहा है, जो 115-116 किलोमीटर हो रहा है। मेरी बाइक वो दिख रहा है, जयपुर 116 किलोमीटर है लगभग अप्रोक्स। बाइक कई देर ठंडी करनी थी इसलिए रुक चुका हूँ मैं यहाँ पे। ये आई देख सकते हो आप, जैसा कि आपने देख लिया मेरे जो बाइक का माइलेज है लगभग अप्रोक्स 44 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है, अप्रोक्स 45 के आसपास माइलेज निकाल दिया है, जो कि बहुत बहुत बढ़िया है। मेरे बैंड बाइक भी चेंज करा रखी है, फिर भी इतना माइलेज दे रही है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इतना तो एक स्प्लेंडर भी देती है आज के टाइम में, और वो भी मैं स्पीड भी मेरी लगभग चल रही थी लगभग 100 या फिर 80-90 इस स्पीड के अंदर, माइलेज भी काफ़ी अच्छा मानता हूँ मैं तो ये। और अगर कोई बाइक होती तो फिर कोई बाइक भी इतना नहीं दे पाती मेरे हिसाब से, फिर भी 350 cc होने के बावजूद भी बाइक का माइलेज काफ़ी अच्छा है। मैंने जब जयपुर से निकला था एक बार ट्राई किया था माइलेज निकालने की, तब मेरे जयपुर से निकलते टाइम तो मैंने मेरे माइलेज निकाल दिया था बाइक ने आराम से 60-61 के अप्रोक्स, क्योंकि उस टाइम मैं धीरे धीरे चला रहा था, जब से निकला था तब 60 की स्पीड में कंटिन्यूस चला रहा था, फिर बाद में मैंने तेज़ की थी स्पीड, उसके बाद में कम हो गया था। लेकिन
अप्रोक्स टोटल पूरा ऑन एवरेज जो माइलेज निकाला था मैंने जयपुर से निकलने के बाद में पेट्रोल बनाया था वो मैंने बनाया था 0.98 लीटर। और अभी सुबह मैं जब कोटा से वापस टैंक फुल कराया तो मैंने बनाया था 6.04 लीटर। जब मैं जयपुर से जब टैंक फुल कराया था ना जयपुर से, तब मेरी बाइक चल रखी थी 5,882 किलोमीटर्स, जिसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा, डाल दूंगा। और मैं जब वापस कोटा से जब निकल रहा था, कोटा के अंदर भी कुछ बाइक चला ली मैंने सिटी के अंदर, और जयपुर भी सिटी से निकलने में 20 किलोमीटर लग गए थे बाइक पे। और तो मैं वहाँ से जब कोटा से निकला तो मेरी बाइक का लगभग किलोमीटर चल रहा था ना 6,000 और 192 या 6,092 ऐसे कुछ किलोमीटर चल रही थी। तो उस हिसाब से बाइक ने टोटल किलोमीटर कंप्लीट किए थे 6,192 किलोमीटर चली थी। और टोटल जो माइलेज देखा जाए ना तो बाइक का माइलेज हो गया था 4.8 समथिंग, क्योंकि मैंने 7.03 लीटर टोटल पेट्रोल भराया था इसके अंदर बाइक में, तो 0.2 लीटर। तो फिर इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बाइक यार माइलेज काफ़ी अच्छा ठीक दे रही है, बैंड बाइक चेंज होने के बावजूद भी अगर स्टॉक साइलेंसर वगैरह होता तो इस हिसाब से बाइक का माइलेज 50 से अप्रोक्स हो ही जाता आराम से। तो अब मैं अपने टी शर्ट चेंज करके शर्ट पहन के और यहाँ से निकलता हूँ जयपुर के लिए और बाइक का रिव्यू देता हूँ आगे जाके। एक चीज़ है भाइयों, जैसे बाइक बुलेट के अंदर अपन चलाते हैं 80 से ऊपर, तो इसके हैंडल के अंदर वाइब्रेशन तो आज भी है, तो ये इसका मेरे को थोड़ा नेगेटिव लगा कि वाइब्रेशन हैंडल बहुत ज़्यादा करता है, और लेग गार्ड वगैरह आगे का जो मड गार्ड वगैरह सारे वाइब्रेट होते हैं पूरे इसके अंदर, सही मतलब हाथों में पेन सा होने लग जाता है अगर चलाते रहते हैं तब लगातार। तो मैं जब जयपुर से निकला था तो मैंने उससे पहले बाइक की सर्विस कराई थी, तो सर्विस के बाद ही माइलेज काफ़ी इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि मेरे पहले जो सिटी के अंदर मैं चला रहा था बाइक माइलेज दे रही थी 25 to 30, और अब मेरे हिसाब से सिटी के अंदर आराम से 35+ इजीली दे देगी सर्विस होने के बाद में। टोटल मेरी बाइक 6,300 और कुछ किलोमीटर चल चुकी है, तो माइलेज भी अब ठीक है। और मैं जाके वापस एक बार चेकअप कराऊँगा, कुछ आवाज़ आ रही है बॉडी पार्ट्स के अंदर, तो वापस एक बार सर्विस सेंटर लेके जाऊँगा चेक कराने के लिए। भाइयों शर्ट मैंने चेंज शर्ट पहन लिया है, टी शर्ट खुल भरी, और अब मैं वापस यहाँ से निकल रहा हूँ। कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो किसी का भी ध्यान दें, क्योंकि हाईवे पे अपनी कोई गलती नहीं होती, कई बार लेन पीछे से कोई अगर कोई गलती से अगर कोई आकर टक्कर मार दे तो कम से कम अपने सेफ्टी अपने हाथ में तो रहे, सर पे तो चोट ना लगे। और अब मैं फिर स्टार्ट करता हूँ बाइक, निकलता हूँ यहाँ से। ठीक है भाइयों, तो दोस्तों अब जगन्नाथ यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुका हूं मैं, जो कि अपने चाकसू के यहाँ पे है, और यहाँ से अब जयपुर रह रहा है 55 किलोमीटर और है। और अब आगे मैं पहुंच के दिखाता हूं। तो ये जो फोटो है मैंने जयपुर में ली थी, जयपुर में टैंक सब फुल कराया था तब की फ़ोटो है, और ये इतना फ्यूल आया था मेरे फर्स्ट लीटर में, और ये टनल की है। मैं जयपुर की तो वीडियो डाल सका नहीं इसलिए ये फ़ोटो डाल के दिखा रहा हूँ। अप्रोक्स मेरे को 4.5 से 5 घंटे लगे थे कोटा से जयपुर वापस पहुँचने के अंदर। तो यहीं अपने ब्लॉग को करते हैं अब एंड, और थैंक यू भाइयों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो आप, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैं आगे और वीडियोज़ अच्छे अच्छे डाल सकूँ मेरे ब्लॉगिंग के। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था बाइक को ले